ये वीडियो खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है आपके फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है और आपके पर्सनल डेटा को भी बहुत खतरा हो सकता है। ये सेटिंग्स ऐसी हैं जिनको लेकर बहुत सारे यूज़र्स अवेयर नहीं होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जिनको डिसेबल करके आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं, साथ में अपने पर्सनल डेटा को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो सेटिंग है आपके फ़ोन में वो है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। इसके ज़रिए आपके स्मार्टफोन को हैक किया जा सकता है, आपके डेटा को भी चोरी किया जा सकता है। तो इसे ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके आपको सर्च ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप स्कैनिंग लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग का फीचर, जिसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से ये फ़ीचर मिलेगा और जब यहाँ देखेंगे तो ये हमेशा फ़ोन में ऑन रहते हैं। तो यहाँ से जाकर आप इन दोनों फीचर्स को ऑफ़ कर सकते हैं, तो इससे आपके फ़ोन के हैक होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। क्या आप जानते हैं आपके फ़ोन में एक लोकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन होता है, जिससे गूगल को ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और अपने गूगल अकाउंट पर क्या कर रहे हैं। तो इसे ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च पर जाना होगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकन मिलेगा, इसे जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको डेटा एंड प्राइवेसी को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा लोकेशन हिस्ट्री, जो कि अभी ऑन है। तो यहाँ आ जाकर आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ से अपने डेटा को सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी सबसे लास्ट सेटिंग है वो ये है कि गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो गूगल आपको पर्सनल एड्स दिखाने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और आपका डेटा जो है वो वेबसाइट्स पे चला जाता है। इसे ऑफ़ करने के लिए आपको अपने गूगल सर्च को ओपन करना होगा। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे और गूगल अकाउंट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको पार्टनर एड सेटिंग्स का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको माय एड सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जाकर आप अपने पर्सनल एड सेटिंग को ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ जाकर जब आप इसे टर्न ऑफ कर देंगे तो अब आपको गूगल किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पर्सनल एड्स नहीं भेजेगा। तो आपने अगर अभी तक इन सेटिंग्स को डिसेबल नहीं किया है तो तुरंत जाएं और अपने फ़ोन की इन सेटिंग्स को चेक करें और अभी इनको इम्प्लीमेंट करें। इससे आपका फ़ोन पहले से और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और आपको हर टाइम ये खतरा नहीं होगा कि आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।